शहर रुड़की में युवक की मौत के बाद बवाल मचा है। गुस्साए ग्रामीणों ने पुलिस पर पथराव किया, दो कोतवाल और एक दारोगा घायल। पुलिस ने छोड़े आंसू गैस के गोले। पुलिस ने कई उपद्रवियों को किया गिरफ्तार। आसपास के इलाकों में धारा 144 लागू। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दो कोतवाल और एक दारोगा घायल बताए जा रहे हैं। पुलिस ने आंसू गैस के गोले यहां पर छोड़े। रुड़की में युवक की मौत के बाद बवाल मचा हुआ है। गुस्साए ग्रामीणों ने पुलिस पर पथराव किया, दो कोतवाल और एक दारोगा घायल है। पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। पुलिस ने कई उपद्रवियों को गिरफ्तार किया है। आसपास के इलाकों में धारा 144 लागू कर दी गई है। तस्वीर आपको दिखाते, देखिए जो पुलिसकर्मी घायल हुए हैं उनकी तस्वीर आपको इस समय दिखा रहे हैं। आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। गुस्साए ग्रामीणों ने पुलिस पर यहाँ पथराव किया, जिसमें पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। दो कोतवाल और एक दारोगा बताए जा रहे हैं, जो कि गंभीर रूप से घायल हुए हैं। देखिए जहां पर पथराव किया गया वहां की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम। तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके से यहां पर उपद्रव फैलाया गया है। पुलिस ने कई उपद्रवियों को गिरफ्तार भी किया है और किस तरीके से पूरी छावनी में तब्दील ये रोड नजर आ रही है और उपद्रवियों को गिरफ्तार यहां से किया गया। पथराव, सड़कों पर पत्थर पड़े हुए नजर आ रहे हैं, उपद्रवियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस यहां पर मौके पर मुस्तैद है। दो कोतवाल और एक दारोगा घायल हुए हैं, उनको अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। लेकिन जिस तरीके से पुलिसकर्मी यहां पर पहुंचे हुए हैं, पुलिस ने इन उपद्रवियों को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े, साथ ही साथ कई उपद्रवियों को गिरफ्तार भी किया गया है। आसपास के इलाकों में धारा 144 लागू कर दी गई है ताकि उपद्रव को रोका जा सके। रुड़की में एक युवक की मौत के बाद पूरी तरीके से बवाल मचा हुआ है और उपद्रवी हंगामा बरपा रहे हैं और इस बवाल के चलते इन उपद्रवियों ने इतना हंगामा किया कि पत्थरबाजी यहां पर की है, सड़कों पर पत्थर बरसाए गए हैं। दो कोतवाल और एक दारोगा इसमें घायल हुए हैं। पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। इस पूरे मामले को कंट्रोल करने के लिए और कई उपद्रवियों को गिरफ्तार किया गया। वीरेंद्र संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं और ज्यादा जानकारी के लिए। वीरेंद्र, पुलिस ने कई उपद्रवियों को गिरफ्तार भी किया है, अभी स्थिति क्या है, कंट्रोल है क्या? जी काजल, अगर बात कीजिए रुड़की के बेल्टा गांव में जो उपद्रव हुआ था, उसमें अभी स्थिति कंट्रोल में है और यहाँ के जो अलग दो पीएससी बटालियन लगा रखे हैं और आकारी रास्ते ही नजर बनाए हुए हैं और अपना पूरा डेकाउट लगाए हुए हैं। और बात की जाए, इसमें पूरा शांतिपूर्वक माहौल है, जिसमें दो दर्जन से लोगों को गिरफ्तार किया गया था। अभी गिरफ्तारी अभी अब चल रही है और सर्च अभियान भी गाँव में चल रहा है। जी, क्योंकि बहुत ज्यादा लोग हैं यहाँ पर जो उपद्रव फैलाने के लिए पहुंचे, सिर्फ युवक की मौत पर बवाल या फिर उसके अलावा क्या कुछ? जी काजल, अगर बात की जाए, ये युवक की मौत पर बवाल है, जो बवाल किया जाए इसमें गांव में अभी थोड़े कुछ ही दिन पहले जो इलेक्शन हुए थे, इलेक्शन में भीम आर्मी के कुछ एक जो चीफ थे उनमें हारने के बाद इसमें जो बाहर के युवक थे, गांव के युवक बहुत कम है, बाहर के युवक थे, जो बाहर के युवकों ने आके गाँव में उपद्रव मचाया, क्योंकि वो बाहर के उसमें पुलिस ने उनकी बाइकें भी जब्त की है, उसमें बाहर के लोगों को गिरफ्तार भी किया है। ये सभी जो माहौल प्रिपेयर बनाया गया था, ऐसा स्पीकर में कहना है कि ये सिर्फ दो घंटे के अंदर माहौल बनाया गया। जो बच्चा, जो लड़का था जिसकी डेथ हुई है, उसकी जो घटना एक्सीडेंट से हुई थी, लेकिन गांव के लोगों ने माहौल बनाया कि इस पे मुकदमा दर्ज होना चाहिए हत्या का। पुलिस का कहना था कि हत्या का मुकदमा पीएम रिपोर्ट आने के बाद किया जाएगा, लेकिन इसे देखते देखते पुलिस ने काफी संयम बरता। संयम बरतने के साथ साथ ही पुलिस के ऊपर पथराव कर, जिसमें दो इंस्पेक्टर, एक दरोगा, एक सिपाही गंभीर रूप से घायल है, जिनको उपचार के लिए भर्ती करा दिया गया है। जी वीरेंद्र, जो उपद्रवी हैं ये कहाँ के बताए जा रहे हैं, जिनकी गिरफ्तारी हुई? तकरीबन जैसा कि आप बता रहे हैं, दो दर्जन की गिरफ्तारी हुई है, बाकी अभी हैं, कहाँ के रहने वाले बताए जा रहे हैं? अगर बात की जाए, ज्यादातर जो लोग हैं सब बाहर के रहने वाले, बाहर के हैं, इसमें भीम आर्मी से इनमें जोड़ा जा रहा है। गाँव के कम युवक है, जिसमें गाँव के 10-15 युवक ये थे, बाकी लोगों के अभी सर्च अभियान चल रहा है। पुलिस आइडेंटिफाई कर रही है जिनके उसमें फोटो आ रहे हैं और गांव के कैमरे भी देखे जा रहे हैं, सीसीटीवी कैमरे। जी काजल, क्या किसी स्थानीय को कोई चोट तो नहीं आई है? जी काजल, बात करें, स्थानीय को कोई चोट नहीं आई, इसमें पुलिस और जो मृतक के परिवार थे, मृतक के समर्थक थे, उनके बीच में ही संघर्ष हुआ। इन्हें पहले कोतवाली में शव को रखने की कोशिश की, पुलिस ने बड़े संयम से इन्हें समझा बुझाया और सब जो अंतिम संस्कार करने के लिए कहा गया, लेकिन ये न मान के पुलिस पर ही हमला कर दिया। जी शुक्रिया वीरेंद्र इस पूरी जानकारी के लिए। तो इलाके में धारा 144 लागू है, हालांकि स्थिति को कंट्रोल कर लिया गया है। उपद्रव जिस तरीके से यहां पर फैलाया गया, तकरीबन दो दर्जन लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है जो उपद्रवी हैं, जिन्होंने उपद्रव फैलाया।